दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों नमस्कार, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 के चतुर्थ अध्याय प्रभास जोशी द्वारा लिखे गए अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में। इस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे और इसे व्याख्यायित करेंगे। जहां जहां कुछ कठिन शब्दावली होगी, वाक्यांश होंगे, उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो यदि लंबी हुई तो उसको कुछ भागों में विभाजित कर देंगे और उसके बाद इस पाठ के लेखक का परिचय और पाठ का सार और साथ ही प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के एक वीडियो अलग से बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में प्रभास जोशी द्वारा लिखे। उगते सूरज की निथरी कोमल धूप राजस्थान में रह गई। मालवा लगा तो आसमान बादलों से छाया हुआ था, काले भूरे बादल। थोड़ी देर में लगने लगा कि चौमासा अभी गया नहीं है। जहां जहां भी पानी भरा हुआ रह सकता था, लबालब भरा हुआ था, मटमैला बरसाती पानी। जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे, सब बह रहे थे। इससे ज्यादा पानी अब यह धरती शोक के रख नहीं सकती थी। ऊपर से बादल की कभी भी बरस सकते थे। नवरात्रि की पहली सुबह थी। मालवा में घट स्थापना की तैयारी, गोबर से घर आंगन लीपने और मानाजी के ओटले को रंगोली से सजाने की सुबह, बहु बेटियों के नहाने धोने और सजकर त्यौहार मनाने में लगने की घड़ी। लेकिन आसमान तो घूं घूं कर रहा था। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड़ थी। मैं उजली चटक धूप, लहलहाती जवार बाजरे और सोयाबीन की फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घर आंगन देखने आया था। लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में पानी गिरते न देखा हो। कवार मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है, कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है। इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की धौंस दे रहा था। मालवा के एक सामान्य परिवेश का वर्णन है कि कवार का जो महीना है उस समय कैसी स्थिति है। महिलाएं सज धज रही हैं, अपने कार्य में व्यस्त हैं, धूप चटकीली निकल रही है, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कि बारिश होने की संभावना। नागदा स्टेशन पर मीना जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं, सारे जरूरी समाचार भी देते हैं। गई रात कुआलालंपुर में भारत के हारने से दुखी थे। पूछने पर ही मौसम और खेती पर आए। हाँ, अब की पानी बहुत गिरो। किसान कही कि हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई, पण अब गेहूं चना अच्छा होएगा। यहाँ लेखक एक बात ये कहना चाहता है, आम तौर पर स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर या मोहल्ले के नुक्कड़ पर जो दुकानें होती हैं वो एक तरह से पूरे गांव की, पूरे देश की, मोहल्ले की सारी खबरें रखते हैं वो लोग। तो वो ऐसे होता है कि उनके पास लोग आकर के बैठ जाते हैं, अपने परिवार की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की खबरें बताते हैं। वो
उन्हीं खबरों को उन लोगों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से वो एक तरह से खबर पहुंचाने का कार्य करते हैं। सार में उसने कहा कि दुकान में लग गए चाय और भजिया, उसने अच्छा बनवा के दिया था। हम मियाँ बीवी मजे में खाते पीते उज्जैन पहुंच गए। रास्ते में शिप्रा मिली, मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी थी। गए महीने टीवी पर लाइन पड़ी थी कि उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुस गया। भोपाल, इंदौर, धार, देवास सब में झड़ी लगी थी। सब जगह फोन लगा के पूछा था, खतरा कहीं नहीं था, लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए थे। अर्थात ऐसी अच्छी बारिश हुई थी कि आमतौर पर इस समय ऐसी बारिश नहीं होती है, और बहुत जगह पानी एकत्रित हो गया था। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसलिए पहले का औसत पानी भी गिरे तो लोगों को लगता है कि ज्यादा गिर गया। इस बार भी बरसात वही 40 इंच गिरी है, कहीं ज्यादा है कहीं थोड़ी कम, लेकिन लोग टीवी की समझ में अति को बोलने लगते हैं। यहाँ लेखक ये कहना चाहता है, प्राचीन समय में प्राकृतिक रूप से हम इतने संपन्न थे कि बिना किसी दूसरे उपकरणों या संसाधनों के अपना जीवन आराम से जी लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, आधुनिक होते गए हैं, वैसे वैसे प्रकृति का दोहन किया है, शोषण किया है, इसलिए बरसात कम होने लग गई है, पेड़ कम हो गए हैं, शुद्ध वायु नहीं रही है, तो तमाम तरह के प्रदूषणों के कारण लोग इस तरह से व्यवहार करने लग गए या इस तरह का माहौल पैदा हो गया कि वो टीवी पर निर्भर हो गए हैं। गांव नुक्कड़ में लोगों से बात करके जो जानकारियां मिलती थी, पता लगता था कहाँ क्या क्या हो रहा है, टीवी पर थोड़ी सी बात बताई जाती है उसको बहुत ज़्यादा लोग समझने लग जाते हैं। उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना मालवा के आंगन में से निकलना है, यानी कि एक तरह से मालवा के मध्यस्थ हैं, मालवा के बीच में हैं, तो उसके आंगन में से निकलना है। कवाद की धूप होती तो भरी पूरी गदराई हरियाली से तबीयत झक हो जाती, लेकिन कुएं बावड़ी और तालाब तलैया के लबालब भरे नदी नालों को बहते और फसलों को लहराते देखा तो क्या गजब की विपुलता की आश्वस्ति मिलती है। खूब मनाओ दशहरा दिवाली अब के मालवा, खूब पाक्य हो। अर्थात एक तरह से अच्छी बारिश होने पर इस तरह के संकेत होते हैं, और निश्चित रूप से जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसके लिए दीपावली, दशहरा, ईद, होली तमाम तरह के त्यौहार तभी अच्छे लगते हैं जब उसकी फसल अच्छी हो जाए, बारिश अच्छी हो जाए, प्राकृतिक माहौल अच्छा हो जाए। इस कारण से इंदौर उतरते ही गाड़ी में सामान रखते दौवा को कहा कि अपने को सब नदियां, सारे तालाब, सारे ताल तलैया और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं से? नहीं यार, पहले माता बिठाएगा। माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई, ताऊजी एक बजने वाला है। बाद में पाया कि उम्र भी अब 70 की हो जाएगी, पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे, नदी नाले पार नहीं होंगे, सूखती सुनहरी घास बुलाएगी, लेकिन उस पर लेट कर रड़का नहीं जा सकेगा। मन से तो किशोर हो सकते हैं, शरीर फिर वैसा फुर्तीला, लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता। उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो, उसका जो है रखे, अपना जो है उसे जी। यहाँ रचनाकार ये कहना चाहता है, कई बार हम उम्र या शरीर के अनुसार चीज़ों को अलग अलग रूप से देखते और करते हैं, जबकि दोनों अपने जगह ठीक होती हैं। उम्र का अपना प्रभाव भी होता है, लेकिन यदि मन में यदि शक्ति है तो आप बहुत कुछ करने की हिम्मत रख सकते हो। दूसरा ये भी है कि शरीर से आप धीरे धीरे उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो कमजोर होते जाते हो, शरीर में से लचक कम हो जाती है, फुर्ती कम हो जाती है, तमाम तरह का प्रभाव पड़ता है उम्र के। इस त्रास्तई प्रतीति के बावजूद दो जगह से नर्मदा देखी, ओंकारेश्वर में उस पार से, सामने सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा है, शायद इसीलिए वह चिड़ती और तिन तिन फिन फिन करती बह रही है। मटमैली कहीं छिछली अपने तल के पत्थर दिखाती, कहीं गहरी अथा वे बड़ी बड़ी नावें वहां नहीं थी।
शायद पूर्व में बहने से बचाकर कहीं रख दी गई थी। किनारों पर टूटे पत्थर पड़े थे। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लग रहा था। निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें और गुर्राते ट्रक थे। वहीं थोड़ी देर कंवार की चिलचिलाती धूप मिली, लेकिन नर्मदा के बार बार पूर आने के निशान चारों तरफ थे। अर्थात पुराना ऊपर तक नदी आ जाती थी, तो ये पहले के निशान थे। पहले बहुत आती थी, यानी कि बारिश खूब होती थी, नदी नाले खूब बहते थे, झरने बहते थे, पेड़ बहुत थे, प्राकृतिक वातावरण बहुत शुद्ध था, तमाम चीज़ें। अब शोषण हो गया, दूषित हो गया, दोहन हो गया, सब प्राकृतिक वातावरण नष्ट हो गया, खराब हो गया। तो उस कारण से बारिश कम होने लगी, नदियाँ कम हो गई, नदियों में पानी कम हो गया, पेड़ पौधे कम हो गए, जीव जंतु कम हो गए, प्राकृतिक वातावरण एकदम से दूषित हो गया। बावजूद इतने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी और गति है। नेमावर के पास बजवाड़ा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले से गमक रही थी। चवथ का चांद उस पर लटका हुआ था। मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। भेंजी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा, थक गई है, देखना अब रात को बहेगी। यहाँ नदी का मानवीकरण लेखक ने कर दिया है, और एक तरह से जैसे व्यक्ति शाम को चलते चलते थक जाता है तो वह आराम करता है, तो उसी तरह से वह कह रही है ये थक गई है, अब ये रात को विश्राम करने के बाद बहेगी। रात भर हम उसके किनारे ही सोए। सवेरे उठकर फिर जैसे उसके नमन में उसके किनारे बैठे, अब वह शांत बह रही थी। अपन घाट नीचे नर्मदा किनारे के लोग, भेंजी गंगा किनारे की, हम नदी को नदी नहीं माँ मानते हैं, नर्मदा मैया है, उससे हम बने हैं, उसके किनारे बैठना माँ की गोद में डूबना है। ये एक तरह से भारतीय संस्कृति और भारतीय जनमानस के लोगों की मान्यता है कि वो नदी को, गाय को, धरती को, इनको भी माँ मानते हैं अपनी जन्मदात्री के अलावा। तो उस नदी के प्रति एक जो ममत्व भाव है, एक जो स्नेह का भाव है, उसको यहाँ प्रकट किया जा रहा है। दूसरा ये भी है कि उसको माँ मानने के पीछे ये भी कारण है कि आम तौर पर नदी के पानी से किसान लोग खेती करते थे, आसपास के गांव लोग वहाँ से पानी एकत्रित करके पीते थे, उसका उपयोग करते थे। तो जो आपको जीवन दे, जीवनदायिनी है किसी भी रूप में, आपको अन्न दे, भोजन दे, तो इन चीजों को मुहैया करवाने वाली माँ है। तो उस रूप में भी नर्मदा यानी कि नदियों को माँ माना जाता है। तो दोस्तों ये पार्ट अभी यहीं समाप्त करते हैं, दूसरे पार्ट में शेष पाठ पढ़ते हैं।